हालेलुया हालेलुया। अलावा परमेश्वर भला है, क्या सब लोग इधर इधर है? बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से बहुत बातचीत करने के लिए चाह रहे थे। सोच रहे होंगे इससे भी ज्यादा बोलना है क्या? पहले दो सेशन में हम लोग जो बातों को देखे थे, कौन सी बातें हमारे दौड़ को रोकने की प्रयास करता है? सुलेमान का दौड़ को कौन सी बातें रोक डाला? इन्हें तेरीवार सुलेमान मारा ये दिन ना मुड़े मुड़ी भाई मार्ट या मैं तुम्हें देते। अगर और अच्छे रीति से समझना है तो कौन सी बातें हमारे अंत को खत्म कर डालता है? ये नगर वस्त्रम सुलेमान तो का देख पार के लिए मुड़ी बना लेते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है काम के शुरुआत से उसका अंत उत्तम है। सालमोनोडे ये मुड़ी में परिदाप मारी पड़ा दे। सुलेमान का अंत भयानक हो गया था। अरे पाप इतना मंदिर वो पाप के चलते हुआ। गिदियों ने ये मुड़ी को मुस्माजी पड़ा दे और गिदियों के अंत भी बुरा हुआ। रावण को ले लिया बोले सूर्य दिनाले मंदिर वो उनके अंदर जो स्वार्थी जो आया उसके वजह से हुआ। इपर ये तो नड़ते बड़े पुरा दिन तो दिमाग में हाँ ऐसे कुछ बात नहीं होना करके अब वो लड़ता है वो भी इतने निकम जाकर दिया करेगा। प्रेरित पौलुस अपने सेवा में बहुत सावधानी से रहा। पौलुस के वार्ते के लेल्ला पिल मेदुवाग पार्कुं बोधु पौलुस के वचनों को ध्यान पूर्वक यदि आप पढ़ेंगे तो अगर तनुडे ये वोटम निंद्र बड़े पुरादी इंद्रिय गवर्नमेंट इंदा वो अपने दौड़ रुकना नहीं है करके बहुत सावधान रहे। अरे इतने इन्होंने ये वोटम वेट्रियां दिए गए ने मदरे गवर्नमेंट इंदा और वो अपने दौड़ विजय पूर्वक होना है करके वो निर्णय किए हुए हैं। इनमें विद्या समान कार्य कर ये दोनों अलग अलग खास बातें तनुडे वोटम निंद्र बड़े पुरादी इंद्रिय गवर्नमेंट इंदा अपने दौड़ रुकना नहीं है करके सावधान रहे। तनुडे मुनिगो वेट्रिकरमाग इरुक्कुम एंड आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ। अगर कोई पढ़ते हैं और दूसरे लोग ध्यान देते हैं तो अच्छा रहता है। एंड्रॉयड पर बड़ा कार्य चल रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे बातें हैं। मैं आप लोगों को संक्षेप रूप में कुछ बातों को बताने के लिए समझाने के लिए चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय है। मसीह को अपनाने के चलते जो बातें उनके लाभ की थी उन तमाम बातों को छोड़ दिए करके वो कहते हैं हम तृप्त नहीं होते हैं करके बोलकर 11वां वचन मुदल 11वां पद से लेकर 17वां वचन वरे वासी 17वां आयत तक कोई एक जन पढ़िए। 11 मुदल 17 वरे याकूब के वासी का इलान गवर्नर गवर्निंग यदि कोई जब जोर से पढ़ते हैं तो बाकी सब उसको ध्यान पूर्वक सुने। किसी भी रीति से मरो हुए में से जी उठने के बाद क्या मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मस्जिद यीशु में ऊपर बुलाया।
हमें से जितने सिद्ध है यही विचारण के, और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें बांटे। क्या कहते हैं आप पहला वचन से लेकर जब पढ़ते हैं वो कहते हैं फिलिपी सभी मतले फिलिपियों के लोग फिलिपी कलीसिया के लोग हमें शारीरिक विचारों के लिए ध्यान नहीं देना। जन्म से एक यहूदी थे और व्यवस्था के अनुसार निष्कलंक जीवन बिताता न्याय प्रमाण के बरोबरा बल और न्याय व्यवस्था को एक तरफ रखे मेरे जीवन को एक दूसरे तरफ रखेंगे इसमें जो भी है वो सारे बातों का मैं पालन किया बड़ी पट्टी योजना की इस प्रकार का यहूदी हम भक्ति वैराग्य मेरे भक्ति के धुन के लिए मार्ग वैराग्य मेरे यहूदियों शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ऐसे संसारिक तौर से बहुत सारे बातें होने के बावजूद भी संसार में मैं बहुत बड़ा पदवी को पद को पाया हूँ करके देखा जाए तो वो तो संदेह की बात है भी था रोम रोमियों के जो उसका जो नागरिकता को भी पाया हुआ व्यक्ति था जो जो मुझे लाभ के लिए थी नष्टे वो सारे बातों को नष्ट समझ कर पूरा समझ कर छोड़ दिया आज उसको मोड़ के देखने के समय पूरा जैसे उसको समझता ज्यादा एक परमेश्वर के दास क्या करना परमेश्वर के दास कहता है इतना मैं करने के चलते इतने बड़ी बातों को मैं छोड़ देने के चलते स्थापना करने के कारण करके नहीं सोचता रोमियों के शहर में गर्भ
गाड़ी में रनिंग के समय वो लिख रहे थे। इतने कार्य साधि इतने बड़े बातों को परमेश्वर के लिए करने के बावजूद भी करके बोलने के लिए बनता है तो करके पहले नहीं कहेंगे देरी न बनाने और मैं पूर
जान गया हूं करके भी नहीं बोलूंगा। पौले नीकले तेरिनवाने ने सोलनना अगर पौलुस खुद नाम तो पूरा जानकारी रखा हूं करके नहीं बोलेगा तो उनका எந்த மனுஷனும் தேறிட்டு சொல்ல முடியாது। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता हम जान गए क्योंकि पौले कोल பெரிய கூலி அணிந்த கூட கண்டது இல்லை क्योंकि पौलुस के समान बड़े सेवक कोई इस दुनिया नहीं देखा। और इल्ले என்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலே பெரும்பாலான புத்தகங்கள் நடக்கின்றது இல்லை। नहीं रहते हैं तो नया नियम में कई पुस्तक ஒவ்வொரு நாளும்
வளர்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரதியேகத்தின் மசீமே வளராவும் கேட்டேன். அப்பொழுதுதான் நாம் தொடர்ந்து ஓடுவோம். साधने के लिए ना नहीं तो मुड़ रुपए ना हाल पुराने बातों को ही हम
स्मरण करते रहेंगे पांच काम करके सोचने लगेंगे बहुत सिंध हो चुका हूँ करके सोचने लगेंगे बातों को मैं पकड़ चुका हूँ करके सोचने लगेंगे इसलिए मैं क्या करता हूँ उससे अगला स्थान में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बीती हुई बातों को भूल जाना है बातें कौन सा है ना केवल आपके निंदा अपमान और दुख की बातें सारी आज तक आप लोगों ने जो कुछ बनाए वो सबको भी गर्व से घमंड से बात नहीं करना सारी तवाना अभी तक आपने जो कुछ बनाए उसके बारे में चर्चा करना है परमेश्वर को महिमा देने के लिए सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऊंचा करने जैसे हमारे मुंह से शब्द निकलेगा तो हम बीती हुई बातों को बोलना है करके परमेश्वर का वचन कहता है कौन कहता है इसने बोला ऐसा बोलने बनता है तो क्या है उनके सामने सभा इपड़ी उर्वाचन कैसे आया करके हमें मालूम है सुबह मैं इसके बारे में आप लोगों के लिए बातचीत करना था के बारे में तीन सेशन में इस बात हमको बता रहे थे यहाँ आके काले के बारे में दो सेशन बोलना है करके सोचे थे अभी रात में आपको काले के बारे में प्रचार करना था ये नाम लेकिन मुझे क्यों परमेश्वर की आत्मा ऐसे अगुवाई कर रहा है क्योंकि मुझे मालूम कल संक्षेप रूप में काले के सेवा के बारे में मैं आपके बीच में रखूंगा जरूर आपके लिए आशीष का कारण रहेगा लेकिन पौलुस के वचनों पर ध्यान दीजिए हमारे जीवन हमारे सेवा में इन बातों का मैं इस्तेमाल करना एवं पढ़कर ऐसे सुनकर ऐसे ही नहीं जा रहा है पूरे आसिया पूरा घूम चुके अभी यूरोप देश में जाना है वो वहाँ किसी को पौलुस को नहीं जानते पौलुस की सेवकाई को मदद करने के लिए कोई नहीं है अब यहाँ अगर फिलिपी अंदर पटना पवित्र आत्मा फिलिपियों के शहर के और पौलुस को अगुवाई कर रहे हैं लगभग आपको और हमको जैसे परमेश्वर चलाते वैसे ही है आपको जैसे किसी ने नहीं जाना उसी प्रकार इलाका में आपको भेजा गया है कम से कम हमारे लिए तो जेम्स करके एक संस्था जो है हमें मदद करने के लिए पीछे है उन दिनों में पौलुस के लिए पौलुस के सेवकाई का संस्था करके कोई संस्था नहीं था पवित्र आत्मा कह रहा कि जाओ तो चला गया फिलिपियों के शहर में वो आ रहे हैं अलग अवनी है ध्यान से सुनिएगा नेपाल इसी बात को मैं नेपाल में विस्तार रूप में बताया बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पवित्र आत्मा उन दिनों में कैसे मिशनरियों के स्थान में काम किया करके देखिए पटना
फिलिपियों के शहर में पौलुस और उनके साथ साथी सब आ रहे हैं तो वो ले आ रहे हैं वहाँ किसी को नहीं जानते जो हाथ में पैसा उसको लेके इधर उधर कुछ खा पी के रह रहे हैं आठ में शहर के किनारे एक नदी है उस नदी के किनारे में वे लोग इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे हैं जो पौलुस और मोरूस के साथ जो कोई भाई लोग थे वे लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत रहा वहाँ पर लीदिया करके एक महिला थी फिलिपी पट्टणम रोमर के कुटिया पट्टणम वो फिलिपी शहर जो है वो रोमियो शहर था वहाँ यहूदी लोग जाना नहीं थे लेकिन ये लीदिया जो है एक यहूदी महिला थी साधारण महिला नहीं है वो व्यापार करने के लिए उतना बुद्धिशाली बुद्धिमान महिला थी कौन सा व्यापार कर रही थी उसको खरीद कर यहाँ बेच रहे क्योंकि रोमियों के बीच में उस कपड़े के लिए बहुत मांग है वसतियान व्यापार कुटुंब बड़े अच्छे धनी व्यापार करने वाला एक परिवार है ये लीदिया के परिवार लेकिन वो एक यहूदी थी लेकिन फिलिपियों की शहर जो है वो रोमियों के शहर है वहाँ यहूदियों के प्रार्थनालय नहीं था इस प्रकार के वातावरण में यहूदी लोग कुछ दिन में विश्राम के दिन में एक साधारण जगह पर एकत्रित होकर प्रार्थना करना उनका आदत था यही काम को लीदिया उनके साथ इतनी महिला थी वे लोग सब मिलकर करती थी अचानक ये देख रही है कि पौलुस और उनके साथियों सब मिलकर इनों के समान गीत गा रहे हैं स्तुति कर रहे हैं आराधना कर रहे हैं पौलुस कोई लीदिया और लीदिया और उनके पेंटर सेंड कर रहा है पौलुस के साथ जाकर ये लीदिया और उनके साथी सब लोग मिल जा रहे हैं पौलुस पार किया पौलुस देख रहे हैं उपनाला ना सो मनी कुत्ते हैं बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे थे ना तो ये फिलिपी पट्टे को टूटी है पूरे फिलिपी पर वो परमेश्वर से प्रार्थना था क्या परमेश्वर आपको फिलिपी में लेके आ गए जो बात है वो रोमर का आ गए हां बहुत सारे रोमी घूम रहे हैं जैसे यूदर यार में इल्ल यहां यहूदी लोग जो जिनको हम जानते थे वो कोई नहीं है अपनी गौली वार पोदे यहां कैसे सेवा बढ़ेगा इस जोन में कोई उधार रखे बोलवाना इस जोन में कोई उधार पाएगा क्या बड़ा कष्टमान इधर गुजरा गया ऐसा कठिन जगह पर हमको दे दिए अभी हम लोग भाई बोल रहे हैं सुभान अल्लाह ऐसे हमारे जैसे बहुत सोचा होगा करके हम सोच रहे हैं संतोष हो लेकिन आज उनको बहुत खुशी है यहाँ चार पांच महिला लोग आते नदी के किनारे तीन चार भाई लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले छोटा सा झुंड अभी महिला लोगों के साथ झुंड के साथ मिलकर ग्रुप ऑफ मामा एक छोटा थोड़ा सा बड़ा झुंड के रूप में बढ़ रहा है कूटे तो बात हमने इंद्र से संतोष में प्रसन्न बढ़ रहा है वहाँ झुंड को देख कर पौलुस खड़े होकर हिम्मत से प्रचार कर रहा है कुछ दिन वेलीपट्टा मेसिया इंद्र तीर्थ का मार्ग प्रसन्न बढ़ रहा है यीशु ही प्रकट हुआ मसीहा करके बहुत जोर से प्रचार कर रहा है लीदिया के मन में मार्चर में पड़ गया था लीदिया के मन में परिवर्तन आ रहा है आवलम और गीत और ज्ञान स्नान कर रहा है वो और उनके घराने बपतिस्मा ले रहे हैं और अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है परमेश्वर कैसे एक के बाद एक कदम कोई कदम उनको कैसे चलाते हैं देखो लीदिया देख रहा अभी लीदिया पूछ रही है हेलो ब्रदर्स हे भाइयों आप लोग कहाँ रहते हैं उनका नफात दे ये आपको मैंने कभी नहीं देखा ये इधर पे आपका घर कहाँ है बहुत सुन रहा है पौलुस कहता है ये कभी नहीं मालूम हम लोगों को यहाँ कोई घर द्वार नहीं है वो ऐसे जाएंगे साफ हुआ ऐसे खाएंगे घर प्लाट में बैठा जा पड़े तू हुआ कहीं की जगह मिलेगा वहाँ पर घर में सोएंगे मेरा वाल तो पेट लिखे ऐसी
जिंदगी जा रहा है। उन्होंने लीजिया तुरंत प्रकाश हुआ, तुरंत लीजिया के चेहरा में रोशनी आई। उनके बीच का माड़ी थे, हमारे घर में वहाँ छत है, वहाँ काली है, इतना हम कर रहे हैं। आप जाते तो आप आगे वहाँ रह सकते हैं। पांडे और ये नरक के लिए खुद में नियत किया लगा है। परमेश्वर के अगुवाई हमेशा सीधा रहे। और ये मणि का आश्चर्य मानो बेटा लगा है। उनके मार्ग जो है हमेशा आश्चर्यजनक रहे। और हम सम्मति का और उसकी सहमत हुए। आठन करी ले नदी के किनारे और सगोदर में जमीन को लगा कर एक दो भाई लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। उस सगोदर के जमीन को लगा कर बाद में कुछ बहन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। गरीले युद्ध सब ही उस नदी के किनारे रहने वाले कलीसिया और कटिन तत्व मार्च पड़ गए थे। अभी ये मकान में बदल रही है। आना पावल ओवर नाले बाहर से घटत गया। पावल वहां पर प्रत्येक दिन आराधना चला रहा, सुन नहीं बोल दिख रहा, बच्चों को सिखा रहा है। आना कूटे तो बात को दे, लेकिन जुड़ को देखने के समय वो मानस कष्ट उनका मन बहुत दुखी होता है। यह ना क्योंकि आंगल कूटे में इल्ला वहां पुरुष लोगों का झुंड ज्यादा नहीं है, केवल पेंटल कुटुंबार के केवल महिला लोगों का झुंड है। हमने की मतलब अपनी क्या केवल उसी दिन केवल उसी का कि हम समय अपनी था। आज भी हमारे कलीसिया वैसे ही चलता है। तो समय में ना होगा, आप कहीं भी कलीसिया में जाइए पेंटल कुटा कम ज्यादा है, तो पुरुष लोगों का संख्या कम ही दिखेगा ना, पेंटल कुटा रहे हैं, लेकिन महिला लोगों का संख्या बहुत ही दिखता है। उम्मीद है क्या सच है ना लिया कि नहीं? अरे भाई जान एक पावर कर दीजिए। ऐसे ही उस दिनों में पौलुस को अपनी था। मैं योजी के पावर जो मणि पर नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ पौलुस प्रसाद प्रार्थना किया होगा। इतना तो रे ये वुमन से अच्छा है बोले ये। हे प्रभु जी, ये तो महिला लोगों के कलीसिया बन जाएगा लग रहा है। और यार तो ला इतनी गलत रही है, यहाँ भी गए थे ऐसा तो नहीं हुआ था। मेन्स से अच्छा है नो, इसमें पुरुष लोग भी होना चाहिए। पुरुष लोग भी होना है, महिला लोग भी होना है। उनका उत्तर देने वाला समय और तरीका अलग रहेगा। जैसे सोचते होंगे अच्छा बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था, बहुत बढ़िया बिजनेस था, कमीशन मिला हुआ, वो
कमीशन लेने वाला व्यापार अल्लाह वसन सुनते है ये वचन कहता है तो पिन्ने व्यक्ति से मणि तरह नल्ला आदाय पाते कोंडारला मैदान में सिफात करके कुछ लोगों ने बहुत लाभ लेते थे आना गुस्सा से हमारा यार तेरी लेकिन शैतान को हमें हम कौन है करके जानता है पौलुस सीला और नडंद कोन कोदे पौलुस और सीला पैदल चल रहे हैं और नाल से पिन्ने को पाते एक एक दिन वो महिला उनको देखकर उन्नतमान देव महान परमेश्वर का सेवक लोग जा रहे हैं अपनी ना तो कौन कहती नहीं रहने जा वह हर समय ऐसे चिल्लाते रही बुला मैं नमले मात्र सो गया संसार में देख के कहेगा कि माला मात्र कुश्ती ये धर्म परिवर्तन करने वाला झुंड है हम कलाचार का अली कर कुश्ती हमारा कलाचार को खत्म करने वाला एक झुंड है अपनी उड़ा कर देते सब गुरुपुरी लाद सो ऐसे इस दुनिया में जो ना काम रखने वाला व्यक्ति है वो बोलेगा आना दिशा सुनते शैतान बोल रहा है उन्नतमान देव ने पूरी कार्य के लिए महान परमेश्वर के दास है विश्वास करना तो उम्मीद सुनो कभी कभी शैतान भी सच बोलता है हालेलुया हालेलुया मनुष्य तो हर समय झूठ बोलता है डेली छोटी देर ये रोज कहने लगी और ना पौलुस को रोको पाओ मुझे एक दिन पौलुस को बहुत गुस्सा आया यीशु के नाम से बहुत गुस्सा से ना वो एक दिन मोड़ के बोलेगी यीशु के नाम से छाव से ना मतलब कोई बोल रहा है तो पेंडे बट बड़ी बस वो जो भागी जाने वाला आत्मा उस महिला को छोड़ के भाग गया अम्मा को रोको संतोष इस महिला को तो बहुत अच्छा लगा लेकिन इनका प्रश्न ना रहस्य कहां हुआ அவளை வைத்து ஆதாயம் தேடி கொண்டிருந்த பெரிய மனுஷர்கள் ரொம்ப சிமாக்கிறது லாபம் காண வாழ தனியோ எந்த வேலைக்கு போகாம ஒரு நாளைக்கு 1000 சம்பாதிச்சிருந்தாங்க போய் காம் செய்ய நீ ஜாதே லேகி லகத்தார் एक दिन में 1000 ரூபாய் கமா देते வருமான இல்ல ஆதி जो है अंदर ही नहीं है ஆசு என்ன வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆதி கா பைசா चाहिए तो काम करने जाना है என்னடா அப்பா புத்தி ये क्या परेशानी हो गया वर्मान की वेट वचांगे हमारे अंदर ही में लोग खत्म कर दिया यार राजन तेर रहा है वो ने वो करके ढूंढ रहे पौलुस सीला में द पढ़ना है कहानी रहा और पौलुस और सीला ने इस काम को किए करके दिखा दिए और एक बड़ी नंगा गाड़ी से उनको पकड़ के खूब पिटाई किए सिरे चाले मंदिरा में உள்ளாயே போட்டார்களா और एकदम भीतर एक कमरे में डाल दिए दोनों वरते कान पे कटपटंदला के पैर जो है वहां पर पेट में बांधा गया था इन सब को हम लोग बुलाते हैं ये सारे बातें हम जानते हैं जैसे जा रहे पौलुस सीला और पौलुस और सीला वहां पर क्या कर रहे थे जैसे जा गए क्या कर रहे थे इन सब को हम लोग अल्लाह तेरी ये घटना अच्छा से जानते हैं हां ये तो पिंडाड़ी ஆண்டவருடைய திட்டம் நமக்கு அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை इसके पीछे परमेश्वर की योजना को हम जानने के लिए मौका नहीं है பவுளுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டுவிட்டது பவுலஸ் की प्रार्थना सुनवाई हुआ பவுளே ਉਸ சபையில ஆண்டவர் கூட தான கேட்ட நீ பவுலஸ் तो अपने கலீசியா में पुरुष लोगों का संख्याला मांगता எங்க கூட வந்திருக்கார் तुमको कहां ले आए देखो इताले கூட வந்திருக்கார் பாந்துவாயில் में ले आए உள்ள இருக்கிற எல்லா திருடு போயிருக்க अंदर जितने दिए सब चोर है गंजा अड़ी रहा है अंदर जो भी है वो सब गंजा पीने वाला है उन्होंने पत्थर में कोला पानी डाल दिया जो अंदर आया हुआ है सब मर्डर करने वाला है जिसे चार दिन पीके पड़े हुए हैं जो व्यभिचार करके पकड़े गए हैं उनके से तवरान नंद कोंडा है और महिलाओं से गलत व्यवहार करने वाला है आंटी लग रहा मजा इतना पुरुष लोग देख रहे हैं और मेंस चर्च पे आज उसको अपने माय पुरुष का कलीसिया बना दो सिरे चाले खुले हुए हैं ये सब याद नहीं करा दे मंदिरों के अंदर तुम क्यों ये कलीसिया को नहीं खोलेगा हड्डी वाला पिंडी हट जाएंगे वो पहले से तो इनको तो मार मार के सीधा कर चुके हैं कहा आपने ये बड़े बैलन मिले अभी हाथ पैर हिलाने के लिए ताकत नहीं है सीला जो सिपा सीला सोचा होगा कल को होता है ये साथी के साथ आप आए देखो हड्डी को तो उल्टा बाट ले जाएंगे हमें मार के ऐसे लटका दिया और जल्दी लग रहा है उठा रहा है बहुत पूरी पाठ को गेट पा उस बहुत पूरी की किताब निकालो उनका बड़ा वाला पाठ तो 350 नंबर के की निकालो ना महिमा 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 ये तो पाठ पा नहीं रहे ऐसे महिमा महिमा करके गीत गाए करके लग रहा अगर काट के बंदे योजना कर रहे हैं उस कार वातावरण को थोड़ा कल्पना करके देखिए इट रियली पॉसिबल क्या ये सचमुच संभव है देवना नडत पड़े मनुष्यला मुडियम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने वाले लोगों के द्वारा संभव है लेकिन पौलुस सीला उन्होंने सही काम दिखा रहे उसी को ही पौलुस और सीला ने उस दिन में कर दिखाया उधर कुछ पहले ला भाग रहे अंदर जितने भी छोर थे वो सब देख रहा था तो ये को पाड़ना है ना वो कब देख रहे थे नडरात का पाड़ना नडरात का पाड़ना आधी रात में गा रहा है எல்லா தூக்கிடுது
आप सब लोग सो रहे हैं नट रात यार रात दिन पर पार नहीं इतनी चल रहा होगा तो कहीं और आज रात में कौन नहीं चिल्ला के गा रहा है क्योंकि सब उनके बैठा मम्मा हमारे सिरे के क्या पाप रहा हूँ हम तो उनको बंदी रूप में कैदी के रूप में देख रहे हैं हम तो आज साथ हम हमारे सिरे के क्या पाप रहे हैं वो जो सरकार है उनको कैदी के रूप में देखता होगा पौलुस ने यार इतने कंगुल पाप रहा हूँ लेकिन पौलुस को अपने आत्मिक दृष्टि से देख रहा है जब हम सिरे चाले कैदी के लल्ला है आत्मा वहाँ पर कुछ काम कर रहा है जितने लोग बंधुवाई में थे उनके सबके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है उसी पा रहा है सारे के सारे सोच रहे हैं हम गंजा अड़ची वाला संतोष हम गंजा पीने के समय जो नहीं आया वो आनंद सारा कुछ वाला संतोष शराब पी के दारू पी के जो आनंद नहीं मिला था अकदिट का संतोष वाला संतोष लूटने पर जो आनंद हमें नहीं मिला उन्होंने पहाड़ के एक बोल कर दे इनके गीत को सुनने के समय आ रहा है उन्होंने पहाड़ या मनस को ऐसा पढ़ दे इनका गीत मेरे मन में कुछ कर रहा है इनके चौका तो मैं अल्लाह कहीं देता हूँ सब उनके बैठ के ताली बजाने लगे पहाड़ की बात तो तेरी तो इलियो गीत का सब तो मालूम है कि नहीं अल्लाह कहीं तो देख रहा सब बैठ के ताली बजा रहा है रहा है आप लोग सोच रहे हैं बड़ा फुल्ला आगे में गिर रहा है रेंडी मेरो पूरे शरीर में मार खाया है सरान सही वक्त आया ओके எல்லாம் மாறிட்டாங்க सब लोग बदल गए अपनी भूमि और कुलुक कुलुकना है तो वहां पर एक भूमि डोल आने के लिए परमेश्वर का आया सारे वाले कदम उठेंदे हां जितने भी बनवाए के दरवाजा तो सब खुल गया वचन சொல்லுகிறது और वचन कहता है அவர்கள் எல்லாரும் ये கட்டுகள் உடைந்தது सारे लोगों के जितने भी जंजीर था वो सब टूट गया எங்க இருக்குன்னு தெரியலனா அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 16 ஆம் அதிகாரம் முழுவதையும் வீட்டுல வாசிங்க आपको मालूम देखना चाहते हैं तो प्रेजेंटों के काम सुलझा दिया है तो घर में जाके पढ़ लीजिए वचन तेजी वाला सुन रहे थे हां वचन सफाई तन से कहता है पौलुस सीलास के कट्टेगल मट्टुमल्ल पौलुस और सीलास के बंधन केवल नहीं अल्लाह सुन कला गवर्नर ला सुन रहे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं सारे कट्टेगल उड़ेंगे हां सारे लोगों का बंधन टूट गया उड़ते तिरड़े जितने भी छोर थे रगड़ी थे जितने भी का नशेले वाले जितने व्यवसायी लोग थे सारे कैदियों का बंधन टूट गया उनका बंधन टूट गया होता ये लोग क्या किए होंगे क्या किए होंगे पुराना व्यक्ति रहते तो भागे होंगे थोड़े जाना चाहिए ना क्रेडिट लगाना है ना ये लोग छोड़ तो थे ना उठा वाले के लगाना है लोग सब बदला दे रहे हैं लेकिन हमें ना अपराधी है ना इसलिए ना यहाँ बोले तो ना उन लोग भागना चाहिए ना वरना पाले ने जेल तले को मेरे ना अगला दिन सुबह बोर्ड में वो उनका जो जेल का देखभाल करने वाला है वहाँ पर उस अधिकारी आके वहाँ देख रहा है सब दरवाजा खुला है आपका मेन डोर वो बनाया गया सारे दरवाजा खुला है उल्ला पता सेवर उल्ला इन्हीं जगह के वहाँ देख रहे हैं तो दीवार भी इधर उधर छुटा हुआ है अच्छा यो पुरी दिन बोलते तो वो सोचा रहा हाँ अरे सब खत्म हो गया वो मारा संग इन तुम लोग पड़ा बोल रहे इसके बाद रोमियो को जो सरकार है वो हमको फांसी लगा देगा ना दूसरे वाले को तब छोड़ी जाएंगे अरे अपराधी भाग गए ये बुलगा कवनी के लिए तुम ठीक से ध्यान नहीं दिया और खुला पर नहीं दिखता है तुम्हारा जिम्मेदारी तुम गंभीर से नहीं निभाया नहीं तो रोम आरसन है ठंडी के बोगदे ने नची ऐसे रोमियो को सरकार मुझे दंड देगा करके सोचकर सही चाले चाले वो तने माइक तो पड़ा पाता वो जो बंदीवाने के अधुवे जो है वो अपने आप को मारने के लिए सोच रहा था पर बबुल उल्ला रहे उनका तिरा लेकिन उस समय पौलुस भीतरे पर कमरे से चिल्ला रहा है हेलो सर ओन्नु पण्णिकादिंगे प्लीज
रखिए, आप अपने आप को कुछ मत करना। हम सब के सब यही पर है, वहाँ का वो जेलर को बहुत आश्चर्य लगा। वो अंदर आके देख रहे हैं, सारे चोर लोग जो है वो उठना डेके बैठा, कैसे हुआ है सोच के देख रहा है, सुन रहा है, किसी ने बता रहा है, ये दो जन जिसको हम लोग मार के लेके आया, प्रसंग बनी करे यीशु यीशु करके कह के प्रचार कर रहा था, दोनों परिवर्तन करने वाला एक परमेश्वर हो सकता है, मुझे भी चाहिए, आपके जगह पर भी परमेश्वर ऐसे कामों को करेंगे, विश्वास करेंगे तो काफी है। ऐसे आप जो कलीसिया को बनाए वो कलीसिया करके कहलाया गया, और वो सेवा को आगे बढ़ा रहे, लिखने के समय बातों को आप सोच के देखिए ना, ये बढ़िया तो सभी ये गुरुवाक्य निर्मित सीधी गलाव उनके घर में आवर मिले, वो कैसे उस कलीसिया को बनाए करके जरा सभी घमंड उनके अंदर नहीं। फिलिप की सभी मकड़े उनको लेना, ये बढ़िया गुरुवाक्य निर्मित ने तेरी हो। फिलिप को कलीसिया के लोग हैं, आप लोगों को कैसे बनाए करके मुझे मालूम है। तो सभी ये इतना अद्भुत भाग गुरुवा कांड में ने उधर यार ने तेरी हो। इस कलीसिया को कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाने के लिए मुझे सहायता किया मुझे मालूम है। मर पारे बच्चन के प्रति आपका विचार ही बदल जाएगा। कुछ लोग और तरीका से काम करते हैं, भूमि कड़ित वैसे लोग इस पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, देव प्रदेगलागे नीकल नाडम, लेकिन परमेश्वर के लोग आप और हम, देव ऊड़ियगलागे नीकल नाडम, परमेश्वर के सेवक आप और हम, भूमि कड़ित वैसे पृथ्वी की बातों पर वस्तुओं पर केंद्र वैसे पटकर मेला वैसे नाड़ के लिए सुन।
करा। हमारे लिए रखा हुआ उत्तम बातों की ओर मन लगाए करके कहता है, नाम तो उल्लेख करके लिए बनी है, हम इस संसार के नहीं हैं, देव उन्हें उन्नत माना उड़ी उत्तर के लड़ाई के मन लगाए, ईश्वर के उस महान सेवकाई के लिए बुलाए हुए लोग हैं, नाम बिना देख और भूमि काट तो मैं इसलिए काट उड़ी उत्तर पर मिल रही, हम अन्य लोगों के समान इस पृथ्वी की वस्तुओं के लिए इस सेवा में नहीं आए, अपने उन्नत लोग उनके महान योजना के लिए, आवरण ये कार्य तो करें बच्चों के कार्य, उनके काम को सेवा को पूरा करने के लिए, आठ बजे के बाद सिलर याद आए तो बढ़ते बढ़िया होगा, ईश्वर के लिए कम से कम कुछ लोगों को पर तैयार करने के लिए, और ये राज्य तो के लिए दबलगत तो एक बात है कि सेवा ही बढ़ते बढ़िया होगा, ये राज्य के लिए संसार में मांगों को सीधा करने के लिए, अलग कपट है तेरी दिल कपट है राज्य ये आशा ये कुटमा ये तो बुनाए गए चुने गए या रात परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें चलाएंगे, परमेश्वर हमें चला नहीं पाएंगे।